नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं वन कार्ड ऐप के बारे में, वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोग वन कार्ड क्रेडिट कार्ड का दोस्तों इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी लोगों का वन कार्ड दोस्तों अब हो गया है चार्जेबल। जी हाँ दोस्तों, की वन कार्ड ने अपनी ऐप के अंदर रोज नए नए चार्ज लगाना चालू कर दिया है। अब दोस्तों आने वाले 20 सितंबर 2023 से वन कार्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर दोस्तों एक और नए चार्ज को ऐड कर दिया है, जिससे आपकी पॉकेट पर दोस्तों अब फिर से जो असर पड़ने वाला है कि आपको दोस्तों अब एक और नया चार्ज जो है वन कार्ड वालों को यहां पर देना पड़ेगा। तो वो चार्ज कौन सा है पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है दिख रहा होगा, हे फ्रॉम 20 सितंबर 2023 वी विल स्टार्ट आर लिविंग 1% मंथली फी ऑन वन कार्ड ट्रांजेक्शंस मेड इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट और थर्ड पार्टी वॉलेट। इफ योर टोटल अमाउंट ऑफ सच ट्रांसफर इन द मंथ इज 10,000 और मोर। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग जो है अपने वन कार्ड को यूज़ कर पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर थर्ड पार्टी वॉलेट में दोस्तों पैसे ऐड करते हैं तो आपको दोस्तों हर मंथ उस पूरे अमाउंट पर 1% का चार्ज जो है दोस्तों लगने वाला है। प्लस दोस्तों जो चार्ज बनेगा उसके ऊपर GST आपको अलग से यहाँ पर पे जो है वो करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, चार्जेस तभी लगेंगे जब आप लोगों की ट्रांजेक्शन 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होगी। अगर आपने 10,000 से कम की ट्रांजेक्शन करी है तो आपको उस पर दोस्तों 1% चार्ज नहीं लगने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग थर्ड पार्टी वॉलेट और बैंक अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? थर्ड पार्टी वॉलेट लाइक आपका ऐसे पेटीएम हो गया, पेटीएम में आपने पैसे ऐड करे तो उस पर दोस्तों 1% आप लोगों को प्लस जो चार्जेस हैं वो दोस्तों यहाँ पर देने पड़ेंगे। और जो पेटीएम आपसे चार्ज लेता है दोस्तों वो पेटीएम अलग लेगा, लेकिन यहाँ पर वन कार्ड वाले आपसे उसके ऊपर भी 1% प्लस GST जो है अलग से दोस्तों लेने वाले हैं। अब दोस्तों बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हो? वैन दोस्तों बैंक अकाउंट में बहुत से लोग अलग अलग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे स्नेपे ऐप है, स्नेपे ऐप से आप लोग अपने बैंक अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो आप लोग जानते हैं कोई भी चार्जेस, कई बार ऐसे ऑफर आते हैं कि आपको दोस्तों वीज़ा मास्टर कार्ड पर कोई पैसे चार्जेस जो है नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग अब स्नेपे से भी दोस्तों पैसे ऐड करते हैं, कोई भी वहाँ पर ऑफर चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन आपको 1% प्लस GST वन कार्ड वालों को तो चार्जेस जो हैं वो देने ही पड़ेंगे। 10,000 से ऊपर, 10,000 से नीचे पे कोई चार्ज नहीं है। टू नो मोर अबाउट दी चार्जेस एंड अपडेट कैटेगराइजेशन ऑफ ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने हमारे को पूरा बता रखा है, आप लोगों को यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर सर्विस चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन, यहाँ पर दोस्तों इन लोगों ने पूरा हमारे को बता रखा है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर इन लोगों ने हमारे को एक एक चीज़ पूरे चार्ट के अंदर उसको बता रखा है। अगर आप लोग इस जो भी चार्जेस इन लोगों ने जो चालू करे हैं, आपको वन कार्ड में क्या क्या चार्जेस लगते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं स्क्रीन पे पूरा पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आप लोग पॉज करके दोस्तों इनके सारे चार्जेस देख सकते हैं कि वन कार्ड के अंदर आपको कौन कौन से चार्जेस जो हैं दोस्तों वो लगते हैं। तो स्क्रीन पॉज करके दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 1-to-1 दोस्तों बताऊंगा चार्जेस तो वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पर लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना है वन कार्ड के नए इस नए चार्जेस के बारे में, हमारे को ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी दोस्तों मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।